नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका शेयर प्राइस जो है 4000 रुपये के आसपास है और बहुत बड़ा जो मौका इसमें मिल रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों अच्छी एंट्री करने का जो है मौका है। यदि आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो है 2000 रुपये के आसपास जो है आपको प्रॉफिट मिले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो शेयर प्राइस, शेयर की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ। शेयर दोस्तों एवेन्यू सुपर मार्ट डी मार्ट, इसकी अगर बात करें कि कितना डाउन चल रहा है तो अच्छा खासा डाउन है। लगभग जो है इसमें 25% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो 1300 रुपये के आसपास जो है आराम से रिकवरी देगा और 1300 रुपये जो है इसी महीने में आपको एक शेयर के ऊपर बेनिफिट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसकी अगर बात करें तो मैं लेकर के चलता हूँ इसके चार्ट की तरफ, उसके बाद देखेंगे कि कैसा ये शेयर है। तो ये जो शेयर है ये 6000 रुपये के आसपास जो है इसने टॉप लगाया था, उसके बाद लगातार गिरावट पे देखने को मिल रहा है और इसने जो है पिछले लेवल के आसपास जो है आज इसका लेवल रहा और 3967 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, लगभग 4000 रुपये के आसपास। तो इसमें एंट्री ले सकते हैं, कल के दिन जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है और ये इसने रिकवरी भी करी दोस्तों, लगभग 6000 रुपये के आसपास ये जाएगा। तो 2000 रुपये जो है 4000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो 2000 रुपये का प्रॉफिट जल्द ही देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डी मार्ट में। इसकी क्वालिटी की अगर बात करूँ तो एक से बढ़ के एक क्वालिटी है इसकी जो है। स्टोर जो है दोस्तों रिटेल सेक्टर का बिजनेस है इसका और स्टोर दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते ही जा रहे हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि खुद की लैंड के ऊपर है। और यदि बात करें इसके प्रोडक्ट की तो रिटेल सेक्टर का जैसे कि बिजनेस है तो छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर बड़े से बड़ा प्रोडक्ट जो है इनके स्टोर में मिलता है। मैं लेकर के चलता हूँ इसके जो है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसका लेवल क्या है। तो इसने जो है फेयर जोन के आसपास एंट्री ले ली है, तो ये यदि आपको और भी नीचे मिले तो अच्छी बात है, वरना इसी लेवल पे आप जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं बता दूं आपको, काफ़ी टाइम से जो है अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें देखने को नहीं मिला है, तो जल्द ही जो है ग्रीन जो है कैंडल देखने को मिलेगी और अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। लगभग 6000 रुपये के आसपास जाते हुए ये स्टॉक देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग ये शेयर है, इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो बताता हूँ और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या है तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इस शेयर का जैसे कि मैं बता रहा हूँ निचला लेवल जो है 4000 रुपये के आसपास है और इसके यदि कंपाउंडिंग की बात करें तो 40% के आसपास की कंपाउंडिंग इस स्टॉक में चल रही है। यदि बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 13% के आसपास है, हालांकि इसने जो है रिटर्न अच्छा खासा दिया है, लगभग 4 साल में 5 गुना तक पैसे को कर दिया दोस्तों। और इसी की बात करें कि डिविडेंड जो है ये कंपनी नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक जो है ख़राब हो गया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो इसके डिविडेंड जो ये प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी वो किसी अच्छी जगह पे जो है यूज़ कर रही हो, यूटिलाइज़ कर रही हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये कुछ नया प्लानिंग कर रहे हो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यदि बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 2018 से 2021 के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 2018 में इसके जो प्रॉफिट हुए 806 करोड़ के, फिर 903 करोड़ के, फिर 1300 करोड़ के, और इसकी बात करें मार्च 2021 की तो 1099 करोड़ के जो है नेट प्रॉफिट हुए हैं। यदि बात करें इस लास्ट वाले जो है मार्च 2021 का जो प्रॉफिट है उसके बाद जो क्वार्टर के रिजल्ट रहते हैं ऐड होने, तो पिछले साल के मुकाबले में अच्छे खासे प्रॉफिट नज़र आएंगे, जैसे इसमें क्वार्टर 4 के 3rd के जो है प्रॉफिट ऐड होते हैं। तो सेल की बात करें तो इसमें 20,000 करोड़ की सेल हुई 2019 में, फिर 24,000, फिर 24,143 करोड़, लगभग जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है सेल में भी। यदि बात करें इसी के साथ जो है कंपाउंडिंग की, तो 5 साल की जो कंपाउंडिंग है 44% की, 3 साल की 39 और 1 साल की 40%, लगभग जो है इसकी कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 40 से अबव रहने वाली है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, अच्छा टाइम चल रहा है और अच्छी खासी गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। यदि बात करें रिजर्व की तो 12,000 करोड़ की सेविंग है इसके पास और 510 करोड़ का कर्ज है इसके कंपनी के पास, जो कि सेविंग के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो कभी भी जो है ये डेप्थ जो है फ्री हो सकती है, कभी भी जो है कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा नहीं रहेगा क्योंकि सेविंग इतनी ज़्यादा है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो 75% की जितनी होल्डिंग होनी चाहिए प्रमोटर के पास वो टोटली इनके पास है और FII की जो होल्डिंग है वो लगभग 9.44% की, DII की 6% की और पब्लिक की 8% की होल्डिंग है। तो ऐसा मौका जो है दोस्तों बार बार नहीं मिलता है, ये किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसा मौका मिला। देखिए इसका जो लेवल है पिछले लेवल के मुकाबले में जो है रशिया यूक्रेन की वजह से जो फियर देखने को मिला था और उसके बाद जो लगातार गिरावट देखने को मिली थी, तो ये स्टॉक जो है 4000
से नीचे देखने को मिला था और उसी के आसपास जो है फिलहाल जो है ये शेयर मिल रहा है। और आप इसमें एंट्री लेके अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना सकते हैं या लॉन्ग टर्म में चाहें तो वो भी एंट्री ले सकते हैं। जल्दी ये जो है 6,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, 2,000 रुपये का पर शेयर के ऊपर जो है प्रॉफिट होगा। अगर आप एक शेयर भी ले लेते हो तो 2,000 का जो है 10 से 15 दिन के अंदर प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि बहुत बड़ा मौका है, इसके लिए चूकना मत। आप एक शेयर उठाओ तो वो भी उठा सकते हैं दोस्तों, जितना बाय कर सको कर लो, लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होने वाला है। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, इतना नीचा लेवल जो है आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगा। और फिर मैं बता दूं ये जो शेयर है फियर जोन में मिल रहा है और राधा किशन धमानी जी का ये शेयर है और ये कंपनी है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना करके देगी। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक तो डिविडेंड जो है ये किसी को नहीं दे रही है, इसका मतलब ये है कि किसी अच्छे काम में जो है यूटिलाइज़ कर रही है उस डिविडेंड को। और एक और बात ये है कि एक इतना मतलब बिजनेसमैन इतने बड़े जो है राधा किशन धमानी उनकी ये कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट वैसे ही हो जाता है दोस्तों। और तीसरी बात ये है कि डेप्थ वाली कंपनी है लगभग, और इसके जो स्टोर है वो खुद की लैंड के ऊपर है, किसी को जो है किराया नहीं देना पड़ता है इनको अपने स्टोर के लिए। तो आप सोच सकते हैं जितना भी प्रॉफिट होगा इनके स्टोर से, रिटेल सेक्टर से, वो खुद का ही जो है टोटल प्रॉफिट होगा। तो इसमें एंट्री लेने के बारे में सोचिएगा ज़रूर, पहले आप जो है रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर और स्टडी कीजिएगा, उसके बाद में जो है एंट्री लेने के बारे में सोचिएगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।